नमस्कार, इस वक्त हम हैं इंदौर की छावनी अनाज मंडी में, जहां पर लगातार जो लाल चने की आवक है वो भी बढ़ रही है, साथ ही साथ जो डॉलर चने की आवक है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब की बार उत्पादन किस तरह का रहा है और क्या कुछ लागत किसानों को यहां पर आई और क्या वाजिब दाम किसानों को मिल पा रहे हैं, ये जानने के लिए हम मंडी पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनके पास सीधे चलते हैं। क्या लेकर के आए थे आज? मैं गेहूं और डॉलर चने दोनों लेके आया। अच्छा, डॉलर चने की क्या स्थिति रही आपकी बार? डॉलर चने की स्थिति वैसे तो 4-4.5 क्विंटल बीघा के निकले हैं, लेकिन भाव उसके हिसाब से फिर भी कम है ये, क्योंकि लागत तो ज़्यादा है ना, क्योंकि जिस हिसाब से अपन बोते हैं बीज, तो बीज तो उस टाइम पे अपन ने 12-13 हज़ार रुपये क्विंटल का लेके डाला था खेत में। उस हिसाब से अगर भाव अगर मान लो 10 हज़ार के मिलते हैं तो भाव कम है ना ये। मौसम किस तरह का रहा आपकी बार डॉलर चने के? नहीं, हाँ ठीक था, मतलब कि अच्छा एवरेज मौसम था वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में मानसून के कारण थोड़ा ख़राब तो हुआ था, लेकिन उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो किसाना को हुआ इसके अंदर। यदि हम बात करें तो अभी हमें आज किस तरह के दाम डॉलर के मिले हैं, न्यूनतम और अधिकतम? न्यूनतम में कम से कम यहाँ पे मिले करीब 8.5 हज़ार से लेके 9 हज़ार के बीच में, और अधिकतम में 10.5 हज़ार तक के भाव बाजार मिले हैं यहाँ पर। अच्छा, लगातार दाम में उतार चढ़ाव की स्थिति दिख रही है क्या? कुछ खास ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है वैसे, हाँ अभी कुछ 15 दिन के अंदर यही भाव चल रहा है। चलिए और भी किसान इनसे, क्या नाम है दादा? महेश पटेल पीपल्ला। क्या लेकर के आए आज? गेहूँ। गेहूँ और चने, डॉलर चने की और लाल चने की क्या स्थिति देख रहे हैं अभी? वो चने की स्थिति तो अभी तो डाउन ही है, मतलब अच्छा ऐसा, बाकी अब भाव भी थोड़ा डाउन है और आवक भी थोड़ी कमी है अभी। अच्छा, जिस तरह का मौसम रहा उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ, क्या इस बार कम था? इस बार कम, बिल्कुल कम, क्योंकि मौसम बहुत इस बार वो धुआं जो गिरा था ना उसने गेहूँ चने सबके एवरेज को बिल्कुल खत्म कर दिया है मान लीजिए। पिछले साल की तुलना में इस साल किस तरह का दाम आपकी बार हमको चने का मिला? इस बार तो ठीक है, पिछले साल की तुलना में इस समय तो अभी ठीक है, पिछले साल जो था भाव उससे अभी ठीक है। अच्छा, पिछले साल की तुलना में इस साल ठीक मिल रहा है? अभी ठीक है, अब आगे भविष्य क्या है अब ये तो पता नहीं। और आवक की किस तरह की स्थिति अब रहेगी आने वाले समय में? आवक तो अब कमी होगी, अभी तो ठीक है, डालर में तो ठीक है, बाकी अब आवक कम हो जाएगी क्योंकि अब सीजन खत्म हो गया ना। तो फिर जब आवक कम होगी तो फिर भाव भी हमारे अच्छे मिलेंगे, बढ़ भी सकता है पर अभी चांस कम है। और आने वाले समय में क्या स्थिति देख रहे हैं वरिष्ठ किसान, है जानकार है आपको? अब ये तो नहीं बता सकते फोन पर, बाकी आवक कम होगी तो भाव में थोड़ी तेजी देखी जाएगी, देखी जाएगी। किसान है निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि आवक कम होगी तो भाव निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, आने वाले समय में आवक भी कम होने की संभावना जता रहे हैं। क्या नाम है दादा? देवकर। क्या लेकर आए आज? ये चना। कौन सा चना लाए हैं आज? डॉलर से छोटा है थोड़ा भी। अच्छा, बिटकी का ही बोलो, ये कट्टू बिटकी। हाँ, बिटकी नहीं, बिटकी नहीं उसके। अच्छा, क्या दाम गया आज? 7.5 का। 7.5 गया। और क्या संभावना है, मौसम के कारण कैसा रहा उत्पादन? मौसम के हिसाब से तो ठीक रहा, पर वो जल्दी बोझे नहीं होता। अच्छा, क्या स्थिति है, स्टॉक है किसान के पास चने का की खत्म हो गया? चना ही नहीं, चना का स्टॉक नहीं। अच्छा, चने का स्टॉक नहीं है हमारे तो, चना नहीं है। अच्छा, कम आया क्या उत्पादन? नहीं, वो तो हमारे तो बोए नहीं, अभी बाद में थोड़े बहुत बोए लोग ना। अच्छा, डॉलर तो बोते नहीं कोई भी। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है फिर आने वाले समय में, जब आवक कम होगी तो फिर दाम बढ़ेंगे? अब यो तो कहीं बता सकता आप। अच्छा ऐसा, पिछले साल की तुलना में इस साल दाम कैसे मिल रहे हैं? अब ठीक है, तो जो भी बिकी जाए वो है, अब कहीं कह सकता आप। अच्छा, किसानों के पास स्टॉक है चने का भी? नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं, खत्म हो गया पूरी तरह से चना? चना एंड पे चल रहा है। अच्छा, आपके यहाँ क्या स्थिति, स्टॉक है चने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है चने का स्टॉक, सब निकाल रहे हैं। स्टॉक नहीं है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर दाम बढ़ेगा, बिल्कुल भाव बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। तो देखिए, किसान थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो देसी चना और डॉलर चना है उसका स्टॉक किसानों के पास फिलहाल नहीं है, यही कारण है कि जब धीरे धीरे आवक बाजार में कम होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो दाम है चने के वो भी बढ़ते नजर आएंगे। इंदौर की छावनी अनाज मंडी से नमन मुटके।